हमार वेन स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बखेली बुलेटिन पूजा के संगे। रीमा माही पंचायत चुनाव खातिर 3 चरण में और नगरी निकाय खातिर 2 चरण में वोटिंग हुई। जिला भरे माही मतदाता खातिर जागरूक कई के मताधिकार का इस्तेमाल करे खातिर लगातार कोशिश की जा रही है। और एक खातिर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प बताएं के खनिज विभाग खदान और क्रेशर में पोस्टर लगाए के मतदाता का सजग कर रहे हैं। यही मेर से कृषि विभाग सिरमौर, शिक्षा विभाग सरकारी स्कूल रघुनाथगंज माड़ो मनिकवार बेलवा सुरसरी तमरा गढ़ खैरा चौराहा के छात्र जागरूकता रैली काढ़ के लोगन का मतदान के शपथ दिवाई। वह घरन के भीतर माही लिख लिख के वोट दे खातिर चेता रही हवा। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के हवाला दे के 5-6 आदतन अपराधीन का जिला बदर करे के आदेश दीन हिवे। उनके आदेश के बाद चिकान टोला के रहे वाले राहुल चिकवा, उमरी चौराहा थाना के रहे वाले अमर उर्फ अमर बहादुर केवट, मध्यपुरा थाना चौराहा के रजनीश सिंह, रौसर थाना के चौराहा के रामकृष्ण उर्फ कृष्णा यादव और निराला नगर के राकेश साकेत का 1 साल खातिर जिला बदर के तहत सीमा से बहरे भेजा जाए। और अब बात करी सतना के, तो जिला के सिंहपुर थाना के उसरार गांव माही खेते मा बने कुआं माही इठे नरकंकाल के गुत्थी पुलिस सुलझा लेन वह एक के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लेन। अपना बताई के पत्रकार वार्ता माही खुलासा कई के पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता बताएं के नरकंकाल के बारे में ही पता चला कि उर्मिला कुशवाहा के पति बहुत दिना से लापता रहे। वहां उर्मिला से पूछताछ की गए तो अपने पति के हत्या के बाद कबूल कर लेन। जो गाँव का कैलाश कुशवाहा था उसके साथ तो उसके 8 साल से संबंध थे और उसके पति को इस बारे में पता चल गया। उसके उपरांत पता किया गया कि ये कैलाश कुशवाहा कहाँ है, तब तक वो घर से फरार हो गया था। उसको बड़ी मेहनत करके उसको पटना जिले से पकड़ा गया जहाँ पर कि उसका स्थायी पता भी। इस प्रकार से ये एक अंधी हत्या थी। नरकंकाल जो मिला था पहले उसको ट्रेस करना, उसके बाद में उसके कारणों का पता करना और उसके उपरांत आरोपियों को गिरफ्तार करना, इन तीनों ही पक्षों में हमारे सिंहपुर पुलिस और नागौर एसडीओपी साहब ने काफ़ी मेहनत करी है और इसी का नतीजा है कि दोनों आरोपी उर्मिला कुशवाहा पति शिव कुमार कुशवाहा स्वर्गीय और कैलाश कुशवाहा पिता ज्ञान प्रसाद कुशवाहा, इन दोनों की गिरफ्तारी संभव हो पाई। बात करी सगरौली जिला के, तो जिला माही पंचायत चुनाव और नगरी निकाय चुनावन के तैयारी खातिर रीवा संभाग के कमिश्नर सुचारी और एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव समीक्षा करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माही निर्देश दे के कमिश्नर सुचारी कहें के राजस्व और पुलिस अधिकारी मिल के घूम घूम के असामाजिक तत्वन के ऊपर कड़ी कार्रवाई करा और अपन सूचना तंत्र का मजबूत कह के फेक न्यूज पेड न्यूज और चुनाव माही शराब के दुरुपयोग का कड़ाई से रोक के अभिन से प्रशासन कड़ी कार्रवाई करी तब जाए के चुनाव शांति से हो सकी। बात करें रीमा के, तो यहाँ पंचायत चुनाव में माही जम के भ्रष्टाचार देखे का मिल रहा है। अपना बता दी कि वार्ड क्रमांक 15 से पंच पद के फर्जी प्रस्तावक के हस्ताक्षर बनाए के मीना द्विवेदी पति लल्ली द्विवेदी का निर्विरोध पंच बनाए देगा। अतने नहीं फार्म के साथ जो एफिडेविट लगावा जाता है वह फर्जी है भाई। यही मेर से वार्ड क्रमांक 11 और वार्ड क्रमांक 17 में फर्जीवाड़ा के खेल चल रहा है भाई। यहाँ तो वार्ड क्रमांक 11 से किरण विश्वकर्मा का ही फर्जी तरीका से पंच बनाए देगा है। आई सुनी सलगा मामला। आपका क्या नाम है? तो सुनाल दुबे जी। क्या समस्या आपके साथ, क्या घटना घटी? ग्राम पंचायत बहुरी बांध का वार्ड क्रमांक 15 से जी फर्जी हमारा दस्तक सही जी और प्रस्तावक माँ हैं, कैंडिडेट खड़ा गए हैं, कैंडिडेट का हम खुदे नहीं जाएं कि को आए कहाँ से। आपको गांव के लोग बताए? हम तो गांव के बताएं तो फिर ब्लाक में जाएंगे पूछें तो ब्लाकों वाले ये बताएं कि एफिडेविट गलत हुए नाम पे लगा है। देखने के नहीं मिला कागज? नहीं, कागज हो गए देखे तो हमको नहीं मिला। कागज मांगे वहाँ पे जाके मांगे तो खुद दिखावट है। नहीं दिए? नहीं दिखा रहे। क्या चाहते हैं? यह चाहे थे कि हमारे नाव से जो फर्जी की ही नियम है के हम अधिकारी ये एफिडेविट बना रही वो पटवारी है सचिव है जिनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाए। बात करें शहडोल जिला के, तो वहाँ के बुढ़ार के किसवाही चौकी के धनौरा ग्राम पंचायत के रहे वाले हेमराज सिंह बताएं कि उनके निजी पट्टा के जमीन माही सचिव और अघोषित ठेकेदार स्टाफ डैम बनवाए वाला जो उनके अनूपपुर जिला में आवत है। एकर शिकायत कुतमा के SDM से करे रहे, तो SDM जाँच करावे के आदेश दे के बाद स्थगन के आदेश दे दिए रहे। वहीं पीड़ित बताएं के सलगे मामला में ही अब अघोषित ठेकेदार उनका धमकी दे रहा है। कौन सा पंचायत है ये? धनौरा पंचायत है।
बताइए क्या समस्या आपको? समस्या ये है कि ये ग्राम पंचायत धनौरा में जो पंचायत द्वारा स्टाफ डेप बनवाया जा रहा था, जो मेरे निजी पट्टे में बनवाया जा रहा था, मेरे बिना सूचित के, बिना जानकारी के, और उसमें भी वो अनूपपुर जिला में रहा है, जिसमें हमने तहसीलदार के यहाँ से स्टे ले लिया। स्टे लेने के बाद उन्होंने खारिज करवा दिया तहसीलदार के यहाँ से। मैंने फिर आदेश श्रीमान SDM साहब के पास से स्थगन आदेश लिया, जिसमें से वहाँ से कार्य रुक गया। कार रुकने के बाद वो लोग दूसरे जगह चेंज कर दिए जगह, तो उनसे मेरे को उस जगह से मेरे को मतलब नहीं रहा। वो ठेकेदार अनिल प्रजापति और सहायक सेक्रेटरी सूर्यकांत चंद्रा, उसके द्वारा, इन लोगों के द्वारा धमकी दिया जा रहा है मेरे को मारने पीटने के लिए। कहीं भी जाता हूं तो उनके पास वीडियो कैसे पहुंच जाता है मेरे को? शहडोल में रहता हूं तो, बुढ़ार में रहता हूं तो उनके पास वीडियो कैसे पहुंच जाता है? ग्राम पंचायत धनौरा जनपद पंचायत बुढ़ार जिला शहडोल, जो कि पहले हमारे पट्टेदार राजी में स्टाफ डेम बनाया जा रहा था सेक्रेटरी और ठेकेदार के द्वारा, जो कि हम तहसीलदार के यहाँ से हमने स्थगन ले लिया। स्थगन लेने के बाद उन्होंने सेक्रेटरी और ठेकेदार द्वारा उसने निरस्त करवा दिया। इसके बाद SDM साहब के पास हमने गए, SDM साहब के पास ने स्थगन ले लिया। इसके बाद हमारा खारिज हो गया, उस जगह से उन्होंने दूर कर लिया। बुलेटिन के अगली खबर शहडोला से है, जहां के व्यवहारी थाना के टिकही गांव माही बरातिन से भरी एक पिकअप पलट गई। यह हादसा माही 5 बरातिन के जहां मौके में दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 36 जने गंभीर घायल हुए। बताई गई कि जयसिंह नगर थाना क्षेत्र के ढोलार गांव से देवलेद के ढोल गांव बरात जात रही, तब टिहकी के तपोवन ढाबा के नियरे तेज रफ्तार पिकअप पलट गए। जी बताइए कैसे घटना हुई है? घटना जी बताइए, तेज रफ्तार में रहा और फिर पलटी खा गया। तेज रफ्तार ससर रोड में अचानक गोलाई में अचानक वो ब्रेक मारा तो पलट गया। इसी कितने बजे घटना? 10 बजे रात जी, कल जी। आज के बुलेटिन में इतने। बघेली में खबर खातिर देखते रहे मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।